Okay, dear children, so we are going to start our new chapter today, which is what is cooking? Cooking kya hai? Cooking, as the name suggests, cook karna. Jo cook kar raha hota hai. Aur cook kya karte hai? Pakana. Pakana matlab kya pakayenge? Khana. Right? To jo khana pakate hai, that is called cooking. To cooking kya hai? Hum iske baare mein janenge is chapter mein. क्योंकि कुकिंग ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ आप फल सब्जियां या जो भी चीज आप बनाना चाहते हैं पल्सेस वगैरह ला के एकदम से बन जाती है. बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं. देयर आर सो मेनी रिक्वायरमेंट्स टू कुक अ डिश. कोई भी चीज बनाने के लिए आपको एक से ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं. जैसे आप मान लीजिए आलू लेकर आए हैं, तो आलू लेकर आए हैं अपने आप तो नहीं बन जाएगा. आलू लाने के बाद आपको उसको धो के और एक प्लेट चाहिए होगी जिसमें प्लेट में आप काटेंगे उसको. काटने से पहले छीलना होगा, छीलने के लिए चाकू चाहिए, राइट? उसके बाद जब आप काट के और सब्जियों के साथ, तो और सब्जियां तो चाहिए होंगी. उसको धोने के लिए आपको छलनी चाहिए होगी, राइट? स्ट्रेनर चाहिए होगा. उसके बाद जब आप पकाने लगेंगे उसको, सब्जी बनाने लगेंगे, तो आपको बहुत सारे मसालों के साथ साथ आपको एक बर्तन चाहिए. मसाले और सब्जी किसमें डालोगे? तो बर्तन चाहिए. यू नीड यूटेंसिल. और उसको, जैसे बर्तन मान लीजिए आपके पास बहुत से तरीके के होते हैं, और उस बर्तन में चलाने के लिए एक चम्मच जैसी चीज जो होती है वो भी चाहिए. वो भी अलग अलग तरीके की होती है, राइट? तो कुकिंग भी एक आर्ट है जो बहुत सारी चीजों को मिला के, बहुत सारे प्रोसीजर, बहुत सारे चीजें मिलाकर बनती है. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या है. ये एक्टिविटी हमने कल की थी. यस्टरडे वी हैड डन दिस एक्टिविटी. आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में बेटा? आपको ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, आपको ये डॉट्स वाले जितने भी पोर्शन है उनमें आपको कलर करना है. अभी तो आपको ये कुछ हॉचपॉच सा हैपजर्ड वे में दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप इन ब्लू यहाँ पर कलर करेंगे ना डॉट्स वाले में, तो आपको क्या होगा, कुछ चीजें नजर आनी शुरू होंगी. हमने कल किया था, तो जब हमने कल कलर आपको करने को दिया, अगर आपने किया है तो लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेस विच हैव डॉट्स इन देम, व्हाट डू यू सी? तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि कुछ यूटेंसिल्स, कुछ बर्तन नजर आए. जैसे ये कढ़ाई है, ये आपका मटका है, ये कड़छी है, ये खुरपी है, ये आपकी वो है जो आपके स्ट्रेनर वो होता है पूड़ी वगैरह तलने के लिए, ये आपका पैन है, तवा है, ये आपका कुकर है, राइट? तो आपको आई होप ये नजर आया होगा जब आपने कलर किया होगा. उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल्स दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग. हाँ, आपने देखा होगा. ठीक है, आर देयर एनी अदर यूटेंसिल यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग? व्हिच आर दे? तो जो भी आपने यूटेंसिल्स ऊपर से देखे उसके नाम लिखे थे, और इसके अलावा जो इसमें दिए हैं उसके अलावा अगर कोई आपके घर में यूज होता है यूटेंसिल्स, तो आपको वो भी बताना है कौन सा यूटेंसिल है. फिर हमने किया था व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ. यूटेंसिल्स किस किस चीज से बने होते हैं. जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग जो है स्टील के बर्तन में बनाते हैं, कुछ गांव की तरफ आप जाएंगे तो वहां पर मिट्टी के बर्तन या लोहे के बर्तनों में बनाई जाती हैं चीजें, राइट? तो बर्तन भी, यूटेंसिल्स भी बहुत अलग अलग टाइप की चीजों से, मटेरियल से बने होते हैं. ठीक है, सो नाउ यू हैव टू आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वर यूज्ड अर्लियर, व्हाट वर दे मेड ऑफ. तो आपको अपने घर में जो बड़े हैं उनसे पूछना है कि जब आप बनाते थे चीजें, या जब आपका टाइम था, जब जैसे आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तो तब जब वो खाना बनाते थे तो कुछ अलग टाइप के बर्तन होते थे, कुछ अलग तरीके से कुकिंग होती थी. ये सब चीजें आपको उनसे पूछनी है. ओके ओके बेटा, तो ये आपकी आज की वर्कशीट भी है, और इससे एक बार समझ भी लेते हैं कि क्या है. कुछ बच्चों ने कल ये बना लिए होंगे यूटेंसिल्स, जिन्होंने नहीं बनाए या नहीं किया कोई बात नहीं, डोंट वरी. आज मैं आपको जो वर्कशीट दूंगी आपको वो कंप्लीट करनी है. ओके,
तो आप यहाँ देखेंगे ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई यूटेंसिल्स यूज इन योर हाउस एंड नेम देम। ये जो अब मैं यूटेंसिल्स दिखाने जा रही हूँ बेटा, आई होप आपने देखे होंगे, आपके घर में जरूर होंगे ये वाले यूटेंसिल्स, इनके बिना फिर खाना वगैरह ये चीजें बनती भी नहीं है। ओके तो लेट अस सी। सो बेटा यू कैन सी दिस इज स्ट्रेनर। स्ट्रेनर मतलब छलनी। छलनी भी बहुत से तरीके की होती है, तो ये छलनी है। छलनी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा स्ट्रेनर। तो आप इसका नाम छलनी नहीं लिखेंगे, आप स्ट्रेनर लिखेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन बेटा, दिस इज वोक। WOK वोक, कढ़ाई है। कढ़ाई को इंग्लिश में वोक बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे ये क्या है, ये तवा है। तवा को आप तवा लिख सकते हैं, आयन का होता है ये या नॉनस्टिक, तो ये तवा है। ये कड़छी है, ये एक तरह की कड़छी है, लेकिन और बहुत से तरीके की कड़छी होती है। तो कड़छी को इंग्लिश में लैडल बोलते हैं। लैडल, LADDLE, लैडल। ओके नाउ सी दिस, दिस इज अ पैन, दिस इज अ सॉस पैन। पैन बहुत तरीके के होते हैं, फ्राइंग पैन, सॉस पैन। तो ये सॉस पैन है जो थोड़ा सा डीप होता है, दैट इज सॉस पैन। हियर दिस इज प्रेशर कुकर, दिस इज प्रेशर कुकर। तो आपको ये तो समझ में आए होंगे जो यूटेंसिल्स हैं, कई यूटेंसिल्स के नाम क्या हैं। ओके बच्चे, सो नाउ वी विल सी दिस पिक्चर, एंड देर आर सो मेनी पिक्चर्स, आई विल शो यू वन बाय वन। एंड हियर वी हैव टू नेम द मेटल्स और मटेरियल यूज्ड टू मेक देम। आपको ये देखना है कि बहुत सारे तरीके के आपके पास यूटेंसिल्स नजर आएंगे, और वो बहुत अलग अलग चीजों के बने हुए हैं, बहुत ही अलग अलग चीजों के बने हुए हैं। तो हम वो देख के बताते हैं कि किस किस चीज के बने हैं। लेट अस सी। ये जो आपको लोटे नजर आ रहे हैं, ये पानी वगैरह भरने के लिए, कुछ और छाछ वगैरह पीने के लिए यूज होते हैं। तो ये किस चीज के बने हैं, विच मटेरियल, दिस इज मेड अप ऑफ ब्रास। पीतल के बने हुए हैं, ब्रास बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ये क्ले पॉट है, यानी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, मिट्टी क्ले, मोर और लेस सेम होता है। ये थोड़ा सा रिफाइंड होता है, थोड़ा रोटी सब्जी बनाने के लिए, कुकिंग के लिए थोड़ा अच्छे से पका होता। तो दिस इज अ क्ले पॉट। आपको मड का वही अर्दन पॉट भी अभी मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, ये कुछ आपको नजर आ रहे होंगे यूटेंसिल्स, बर्तन। ये किस चीज के बने हैं, आयन के। आयन मतलब लोहे के, आयरन। आयरन नहीं बोलते हैं उसको, उसके स्पेलिंग IRON होते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं आयन। ओके द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आयन। ये आप देखेंगे, ये एक पानी का जग जैसा है। ये किसका बना है, तांबे का। तांबे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, कॉपर। और अब ये देखेंगे, ये जो ये है आपका यूटेंसिल, ये अर्दन पॉट है, मिट्टी का, जैसे मटका टाइप हांडी होती है ना, वो है ये। सो दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मड, अ क्ले पॉट, और यू कैन राइट अर्दन पॉट। ओके सो आई होप बेटा यू अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, एनी डाउट, वी कैन स्टार्ट आवर डिस्कशन सेशन। थैंक यू।